नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की 20 सबसे बड़ी खबरें। अवैध जमीन आवंटन केस में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर सीबीआई का छापा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक आवास पर शुक्रवार को सीबीआई ने छापेमारी की। जिस समय ये छापेमारी हुई उस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा घर में ही मौजूद थे। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद हैं। बता दें कि सीबीआई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य के खिलाफ नए केस दर्ज किए हैं। ये केस 2004 से 2007 के बीच हुए जमीन आवंटन से जुड़े हैं। हुड्डा के घर पर अभी भी छापेमारी जारी है। यह छापेमारी हरियाणा और दिल्ली में 30 से ज़्यादा जगहों पर की जा रही है। लोकायुक्त के लिए सभी राज्यों में जनहित याचिका दाखिल करेंगे अन्ना हजारे। समाजसेवी अन्ना हजारे ने लोकपाल और लोकायुक्त कानून पर अमल के लिए सभी राज्यों में जनहित याचिका दाखिल करने की बात कही है। बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला स्थित अपने गाँव रालेगढ़ सिद्धि में करीब 450 कार्यकर्ताओं की बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय करते हुए अन्ना ने कहा कि राज्य के प्रत्येक हाईकोर्ट में याचिका दायर होनी चाहिए। अन्ना हजारे आगामी 30 जनवरी से रालेगढ़ सिद्धि में फिर से अनिश्चितकाल भूख हड़ताल शुरू करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर देश भर से करीब 450 कार्यकर्ता अन्ना के गाँव पहुँचे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकपाल कानून बनने की बात उम्मीद थी कि सभी राज्यों में लोकायुक्त नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस दौरान सभी कार्यकर्ता अपने अपने जिला मुख्यालय पर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले 4 दिन तक निवेदन दें, धरना दें, उसके बाद जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन शुरू करेंगे। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण पर फिलहाल रोक नहीं, संविधान संशोधन की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट। केंद्र को नोटिस भी जारी की। आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण पर फिलहाल कोई रोक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर आरक्षण पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 124वें संविधान संशोधन का परीक्षण करेगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी की है और इस संबंध में 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इस मुद्दे पर यूथ फॉर इक्वलिटी समेत कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में 124वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। इसके मुताबिक आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं हो सकता। याचिका के मुताबिक विधेयक संविधान के आरक्षण देने के मूल सिद्धांत के खिलाफ है और यह सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 50% के सीमा का भी उल्लंघन करता है। हिंदी की मशहूर लेखिका कृष्णा सोबती का निधन। 2017 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका कृष्णा सोबती का 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। 18 फरवरी 1924 को गुजरात वर्तमान पाकिस्तान में जन्मी सोबती साहसपूर्ण रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती थी। बतौर लेखिया 1950 में कहानी लामा से साहित्यिक यात्रा शुरू करने वाले कृष्णा सोबती स्त्री की आज़ादी और न्याय की पक्षधर थी और यह उनके उपन्यासों में भी दिखा। जिंदगी नामा के लिए 1980 में सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1996 साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया, जो कि अकादमी का सर्वश्रेष्ठ सम्मान माना जाता है। कृष्णा सोबती को साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार साल 2017 में मिला था। कृष्णा सोबती के कालजयी उपन्यासों में सूरजमुखी, अंधेरे के दिलों, दानिश, जिंदगी नामा, ए लड़की, समय सरगम, मित्रों मरजानी, जैनी मेहरबान सिंह, हम हसमत, बादलों के घेरे आदि शामिल हैं। पॉलिटिक्स में प्रियंका की एंट्री पर बोले नीतीश के मंत्री, सुंदरता से वोट नहीं मिलते। प्रियंका गांधी वाड्रा की सियासत में एंट्री के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। कोई उनमें इंदिरा गांधी की छवि देख रहा तो कोई उनकी नियुक्ति में परिवारवाद का राज्याभिषेक देख रहा है। मगर इन सब के बीच बिहार में भाजपा के कोटे से मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा कि सुंदर चेहरे से वोट नहीं मिल सकते। वह रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी है, जो जमीन घोटाले और भ्रष्टाचार केस के आरोपी हैं। वह बहुत सुंदर हैं मगर उनकी कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं है। हाईकोर्ट का आदेश, अब सोशल मीडिया पर नहीं दिखेगा बाबा रामदेव के खिलाफ आपत्तिजनक चीज़ें। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री हटाने के लिए फेसबुक, गूगल, यूट्यूब और ट्विटर को निर्देश दिया है। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अपने प्लेटफॉर्म से या तो इन सामग्रियों को हटा दें या इन्हें ब्लॉक कर दें। बता दें कि यूट्यूब पर कई ऐसे वीडियो भरे हैं जो बाबा रामदेव पर कई मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनी से कहा है कि यह भी बताएं कि आखिर कौन इन सामग्रियों को डाल रहा है। कोई अगर व्यक्तिगत रूप से यह कर रहा है तो वह भी जानकारी दें। सारी जानकारियों को सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में जमा करने के आदेश दिए गए हैं। देश में स्वाइन फ्लू का कहर, 2572 लोग चपेट में, अब तक 77 की मौत हुई। हिंदुस्तान में स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस साल अब तक देश भर में स्वाइन फ्लू के 2572 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं।
इसकी चपेट में आकर कम से कम 77 लोगों की जान भी जा चुकी है। स्वाइन फ्लू से सबसे ज़्यादा 56 लोगों की मौत राजस्थान में हुई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 438 स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए हैं। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक स्वाइन फ्लू के 2572 मामलों में से 1508 मामले राजस्थान से आए हैं। मिशन 2019 में जुटी आम आदमी पार्टी 15 फरवरी से पहले घोषित करेगी उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। पार्टी नेताओं का कहना कि 15 फरवरी तक दिल्ली के साथ पंजाब और हरियाणा के उम्मीदवारों की भी घोषणा संभव है। दिल्ली प्रदेश के संयोजक गोपाल राय के मुताबिक पार्टी अपने चुनावी अभियान को शुरू कर चुकी है, प्रचार और तेज किया जा सके इसलिए हम जल्द से जल्द उम्मीदवार घोषित करेंगे। हम दिल्ली, हरियाणा, गोवा और पंजाब की लोकसभा सीटों पर अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा बोले, पूरे देश में किसानों की ऋण माफी सरकार की नीति नहीं। 1 फरवरी को पेश हो रहे आम बजट में मोदी सरकार की ओर से किसानों की ऋण माफी पर जारी कयासबाजी पर केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने ब्रेक लगा दिया। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि पूरे देश में किसानों की ऋण माफी सरकार की नीति नहीं है। सरकार की नीति किसानों को चुनौतियों का सामना करने लायक बनाने की। इस दौरान सिन्हा ने विभिन्न राज्यों में कांग्रेस सरकारों की ओर से की जा रही ऋण माफी को छलावा बताया और कहा कि कई जगह पर इसके नाम पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के ऋण माफ हो रहे हैं। रेलवे ने बेरोजगारों से बटोरे 427 करोड़ रुपये, मेगा वैकेंसी में परीक्षा फीस से हुई यह कमाई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को एक बार फिर से बम्पर वैकेंसी की बात कही, जिसके तहत 232,000 बेरोजगारों की भर्ती का ऐलान किया गया। खबर सुनकर आपको भी लगा होगा कि सरकार अब बेरोजगारों का कितना ख्याल रख रही है, लेकिन अब चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि पिछले साल की भर्ती परीक्षा से रेलवे को इन्हीं बेरोजगारों से करीब 425 करोड़ की कमाई हुई है। पिछले साल फरवरी में जब रेलवे ने करीब 225,000 पदों की भर्ती निकाली तो करीब 2,37,00,000 आवेदन मिले। भोपाल के RTI कार्यकर्ता डॉक्टर प्रकाश अग्रवाल कहते हैं कि काफ़ी मशक्कत के बाद रेलवे ने आंकड़ा दिया। इसमें रेलवे ने माना कि परीक्षा फीस के नाम पर 1,27,000 कैंडिडेट से उसके खाते में करीब 900 करोड़ रुपया आया। साथ में कहा कि जो परीक्षार्थी उपस्थित हुए उनको पैसा लौटाना भी है। कुशवाहा का केंद्र पर तंज, आरक्षण से बेरोजगारी दूर नहीं होती, रोजगार सृजन की है जरूरत। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने गुरुवार को रोहतास जिले के विक्रमगंज में हल्ला बोल दरवाजा खोल महासम्मेलन में नीतीश और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर कुशवाहा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आरक्षण से बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है, बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार सृजन करने की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा सवर्णों को दिए गए आरक्षण पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से ही दलितों, पिछड़ों को आरक्षण प्राप्त है, लेकिन फिर भी उन लोगों को अभी तक रोजगार नहीं मिल पाया है, इसलिए जरूरी है कि रोजगार सृजन किया जाए। मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, रेल में फ्री यात्रा कर पाएंगे सरकारी कर्मचारियों के बच्चे। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे अपने कर्मचारियों के दो बच्चों को अब 33 वर्ष की उम्र तक मुफ्त यात्रा पास देगा। पहले ये उम्र 21 साल की आयु तक थी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसके आदेश भी जारी कर दिया। रेल कर्मचारियों की मांग सालों से चल रही थी। रेल कर्मचारियों का कहना था कि उनके बच्चे 20 या 21 साल की उम्र के बाद ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। वो दूसरे राज्यों या शहरों में पढ़ाई के बाद प्रतियोगी परीक्षा देने या फिर दूसरे कोर्स के लिए बाहर जाते हैं। इस कारण रेलवे कर्मचारियों ने सरकार से बच्चों को रेल सफ़र की दी जाने वाली सुविधा की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। छात्रों द्वारा बनाए गए उपग्रह को इसरो ने किया लॉन्च, प्रधानमंत्री भी हुए गदगद। गुरुवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने एक बार फिर इतिहास रचा। गुरुवार को श्रीहरिकोटा से इसरो के PSLV-C44 रॉकेट में कलाम सेट और माइक्रोसेट को अंतरिक्ष में रवाना किया गया। इन उपग्रहों से भारत की सेना और छात्रों को सीधे तौर पर फायदा होगा। इसरो की इस उपलब्धि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों ने बधाई भी दी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि छात्रों द्वारा बनाए गए इस उपग्रह का लॉन्च होना भारत के लिए गर्व का विषय है। इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि इस उपग्रह को हाई स्कूल के छात्रों ने बनाया है और इसकी लॉन्चिंग मुफ्त में की गई। पहली बार इसरो ने किसी भारतीय निजी संस्था का उपग्रह लॉन्च किया है। छात्रों द्वारा बनाए गए इस उपग्रह को पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कलाम सेट नाम दिया गया है। इसरो के मुताबिक यह दुनिया का अब तक का सबसे हल्का उपग्रह है। करीब 1.26 किलो वजन का यह उपग्रह लकड़ी की कुर्सी से भी हल्का है। दाओस में बोले रघुराम राजन, सुधारों को पटरी से उतार देते हैं नौकरशाह, मंत्रियों को मिले नेतृत्व। दाओस में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में शरीक हुए पूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने देश में नौकरशाही को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आर्थिक सुधारों की विफलता का बहुत बड़ा कारण नौकरशाही में निहित है।
राजन ने कहा कि सुधारों की दिशा को निर्धारित करते समय नौकरशाह एक ऐसा पक्ष जोड़ देता है जिससे सभी सुधार धरे के धरे रह जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बेहतर क्रियान्वयन के लिए हरियाणा को मिला सम्मान। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित एक समारोह में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने हरियाणा राज्य को बेटियों के मामले में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। 5 राज्यों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन में हरियाणा का चयन किया गया है। हरियाणा ने इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए लगातार बेटियों की दशा सुधारने में बेहतरीन काम किया है। वहीं झज्जर करनाल और कुरुक्षेत्र जिलों को भी इस अभियान के बेहतर ढंग से क्रियान्वयन पर राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। गोवा बीच पर शराब पीना पड़ेगा महंगा, जुर्माने के साथ हो सकती है जेल। गोवा में अब यदि कोई खुले में शराब पीते पकड़ा गया तो उस पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यह नियम जल्द ही गोवा सरकार लाने वाली है। इसके लिए सरकार गोवा टूरिस्ट प्लेस प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 2001 में संशोधन के लिए प्रस्ताव लाने वाली। जल्द ही इसे कैबिनेट की बैठक में भी रखा जाएगा। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति बीच पर शराब पीते खाना बनाते या फिर कूड़ा फेंकते पकड़ा जाता है तो उसे अपराध माना जाएगा। नियम तोड़ने वालों को जुर्माना और 3 महीने की जेल की सजा भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बीच 28 रूट पर शुरू होगी अंतर्राज्यीय बस सेवा। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बीच सड़क परिवहन का दायरा बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश और राज्य परिवहन निगम जल्द ही बड़ी शुरुआत करने जा रहा है। दोनों राज्यों के बीच 28 रूटों पर बस सेवा शुरू करने के लिए सैद्धांतिक सहमति बन गई है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को